एक्चुअली ऐसा कोई बहुत इसका सेट रूल नहीं है कि विधियों को मिक्स ना किया जाए या किया जाए, हमको हमारी अपनी सहजता पर देख लेना ज़्यादा ज़रूरी है बेसिकली। तो अगर आप दो विधियों में या तीन विधियों में सहज हैं और आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट खुद में नहीं पता चल रहा है तब तो सब ठीक है, और अगर खुद में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट पता चल रहा है, कोई खिंचाव पता चल रहा है, तो फिर बेहतर ये होता है कि हम एक जगह फोकस्ड हो जाएं और उसको पूरा करें फिर आगे चलें। अगर इसको तकनीकी तौर से देखा जाए तो मुझे दोनों में कोई उलझन नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर विधि समझ में आ गई है और उसका प्रयोग किया जा रहा है तो एक विधि भी काफ़ी होती है, फिर कई विधियां करने की ज़रूरत नहीं होती, एक विधि ही सारा काम कर देती है। और अगर हमारा टाइप है कि हमको दो ही चीज़ें पकड़ में आ रही हैं अल्टरनेटिवली, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़, तो वो भी उस सेंस में ठीक है, उसमें भी कोई अड़चन नहीं है। और सब चीज़ का जो पैमाना है वो हमारी अपनी शांति ही है कि सबके एंड रिजल्ट में हम कितने शांत हो रहे हैं, हमारी इनर पीस कितनी उससे प्रभावित हो रही है, तो उसी क्राइटेरिया पे उसी पैमाने पे तय करना चाहिए। गहराई और ऊंचाई हमारा कंसेप्ट है, वो तो हमको हमारे सोर्स में हमारी इनर पीस में ही जाना है फंडामेंटली। और जैसा कि आप कह रही हैं तो उस तरह से ये चीज़ कुछ लोगों की पर्सनैलिटी टाइप में ऐसी ही सूट कर सकती है कि जैसे वो एक ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट एक टाइप का है तो लंच एक टाइप का है तो डिनर एक टाइप का है, तो उनके लिए इसी तरह से विधियाँ भी हो सकती हैं। कभी कभी ये भी संभव है कि कोई सुबह एक विधि करता है, दोपहर में कोई विधि करता है अगर इतना साधना में वो अपना वक्त दे रहा है, शाम को कोई विधि करता है और फिर दिन का अपने अंत जो है किसी और विधि से करता है, या दो ही ले लेता है वो अलग अलग मौक़ों पर। तो ये अपने अपने टाइप पर डिपेंड करता है और बेहतर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और रहा सवाल गहराई का, गहराई एक ही है, हमारी इनर स्टिलनेस और इनर पीस, उसी से पता चलेगा। अन्यथा किसी से अगर पूछिए गहराई तो वो क्या गहराई बताएगा। मेडिटेटर्स अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं जो साधक, कि हम गहराई में कैसे प्रवेश करें, और उनको ये तो पता ही नहीं कौन वाली गहराई, वो कोई कुआं है, कोई ओशन है, या क्या है, हम कहाँ प्रवेश करेंगे, मतलब हम कैसे जानेंगे कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अपने आप से किसी भी साधक को पूछना चाहिए कि अगर हम उस ध्यान के रिजल्ट में पहुंचेंगे तो हम जानेंगे कैसे कि ये हो रहा है। कोई क्राइटेरिया तो होगा हमारे पास, तो बस वही क्राइटेरिया हमेशा लगाइए जो हमेशा के लिए ही ठीक है, कि हमारी इनर पीस का लेवल कितना ज़्यादा है और इनर स्टिलनेस उसका लेवल कितना ज़्यादा है। हमारी पीस शुरुआती दौर में छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाती है, फिर कोई साधना में थोड़ा आगे बढ़ता है तो कम डिस्टर्ब्ड होती है उसकी पीस, धीरे धीरे करके वो चीज़ और सिमटती है, फिर पीस उसकी कम से कम डिस्टर्ब होती है, पहले घंटों में बाहर आ जाता है, फिर मिनट्स में बाहर आ जाता है, फिर सेकेंड्स में बाहर आ जाता है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या बेचैनी या जो भी हमारे अंदर का उलझाव है उससे, तो वही क्राइटेरिया है। और फिर अंतिम जिसको कहा जाए कि हम सबसे गहरी जगह पहुंच गए या अपने सोर्स में पहुंच गए, जब हमारी पीस में कोई रिपल ही नहीं उठती, संसार एक तरफ है, हमारा सेंटर एक तरफ है, परिधि पर सब चल रहा है और हमारे सेंटर पर कोई हलचल नहीं है, वहाँ पूरी शांति, तो हम वहीं आ गए जहाँ हमको आना था।